से प्रेस वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। पिछले एक महीने से हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू जोन के अंदर मुझे लगता है कि 7-8 वारदातें मिलिटेंट अटैक जम्मू जोन के ऊपर हुए। ताज़ा आज सुबह 7 बजे हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, आज 5 जवान मेजर सहित शहीद हो गए। ये दर्शाता है हमारा लोकतंत्र, ये दिखाते हैं हमारा लॉ कहाँ जा रहा है, ये दिखाता है हमारी जम्मू कश्मीर की LG प्रशासन की पोल। आम आदमी पार्टी जम्मू जोन की तरफ से हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं, आज्ञा गौर जी, मेयर सिंह सूदन जी, शंकर सिंह चिप जी, हमारे गुड। आज की हमारी प्रेस वार्ता, सबसे पहले जो अटैक हुआ ये कड़ी निंदा करती है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर जम्मू जोन के अंदर और प्रशासन से ये लताड़ लगाती है कि आपकी ये खुली पोल दिखा रही है कि इसमें संदेह नज़र आ रहा है। तो आज हम उन जवानों को जो हमारे देश के ऊपर हमारी इस देश की रक्षा करते हैं, उनके परिवारों को ऊपर वाले से, भगवान से, वाहेगुरु से, अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और जो परिवार पीड़ित हैं उन सब के साथ हमारी आम आदमी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। आज का हमारा प्रेस वार्ता का जो था मेन एजेंडा था लोकतंत्र की बहाली। शुरुआत करें अगर हम, अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का राज्य, मध्य प्रदेश हमारा देश का राज्य, कर्नाटक हमारा देश का राज्य, महाराष्ट्र हमारा देश का राज्य, किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को भाजपा सरकार ने गिराया, ये लोकतंत्र दर्शाता है। 750 किसानों की शहादत हुई, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान दिखाता है। पहलवान बेटियों को कुचला गया, निहत्था किया गया, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान हमें दिखा रहा है देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। आदिवासी नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जिस तरीके से राष्ट्रीय संयोजक हमारे मानजोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर बिठाया है, ये लोकतंत्र, ये संविधान हमें बताता है। आदि पिछले हाल में चंडीगढ़ के भीतर मेयर के चुनाव हुए, झूठे फर्जीवाड़ा बनाकर भाजपा सरकार ने मेयर बनाया, लेकिन उच्चतम न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। दुरुपयोग करके भाजपा सरकार ने अपनी दशा और दिशा निर्धारित की है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत के अंदर बहुत से प्रश्न उजागर हो रहे हैं। आज की हमारी प्रेस वार्ता के अंदर आपके चैनल के माध्यम से हम ये